हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज आपका क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट अलजेब्रा का जो प्रॉब्लम सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन ला दिया। दोस्तों अगर अभी तक आप देखे रहोगे तो प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट सेकंड था उसका वीडियो बन चुका। आज जो है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, दोस्तों देखोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखता है और है भी अलग, तो इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देखते हो तो आपको क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो शायद आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया तो उसको हम लोग लिखेंगे 1/48 अपॉन एक्स प्लस 2/3 अपॉन वाई इक्वल टू 5/7 अपॉन एक्स वाई। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाला क्या हमारा दिया 2/3 अपॉन एक्स प्लस 1/4 अपॉन वाई इक्वल टू 6/10 अपॉन एक्स वाई। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ कॉमन ले फिर करें। तो इससे पहले अगर आप ध्यान से देखो, नीचे हमारा एक्स वाई दिया है और इस साइड हमारा एक्स वाई, दोनों ये दोनों में कॉमन ले, बट इसमें क्या करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई दोनों है ना, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड किससे, एक्स वाई से, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय एक्स वाई। आप किसे करोगे, एक्स वाई से दोनों तरफ इंटू करोगे। तो देखो क्योंकि डिवाइड में उसको कैंसिल करने के लिए इंटू करना पड़ता है। आप करोगे तो देखो एक्स वाई से इंटू करोगे तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/48 y बचेगा, प्लस इसमें करोगे तो y कट जाएगा, क्या बचे 2/31 x बचे इक्वल, दोनों कट जाएगा 5/7 बचेगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी वही काम, अभी इसमें करोगे तो x कट जाएगा तो y बचेगा, मीन्स 2/31 y प्लस 1/48 x, y कट जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा इक्वल टू 6/10, क्योंकि यहाँ दोनों कट जाएगा, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा क्या होगा 1/48 y प्लस 2/31 x एंड इधर 2/31 y 1/48 x, मतलब जो y के पास हो वही x। अब अगर आप इसको आगे पीछे करो ऐसे ही सॉल्व करो तो भी चलेगा, y है यहाँ पर x, दोनों सामने सामने सेम, यहाँ x यहाँ y, तो हम लोग क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं पहली बार प्लस करते हैं फिर उसके बाद माइनस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ऐड, एडिंग इक्वेशन। और एक चीज और दोस्तों, अभी इसमें आप मल्टीप्लाई बोथ साइड की हो एक्स वाई से, तो किसमें की हो तो वे भी लिख देना इक्वेशन, किसमें किसमें की हो फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी लिख देना, क्योंकि मैं खाली ऐसा लिख दिया। अभी इसमें एक्स वाई से आप इंटू की हो किसमें की हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में भी लिख देना। अब इसके बाद एडिंग इक्वेशन किसको कर रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों को आप क्या करो ऐड कर रहे हो, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखना तो लिख लो 1/48 y प्लस 2/31 x इक्वल टू 5/7। ये हमारा क्या है 2/31 y प्लस 1/48 x इक्वल टू 610, प्लस कर रहे हो प्लस कर रहे हो प्लस कर रहे हो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 8/19, 4/3 7/3 y हो गया, प्लस इधर करोगे 9/7 3 x इक्वल टू 7/3 11, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो अभी क्या करते, जो नंबर इधर आता है उसी से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय कितने से, जो दिया है 3/7/9। जब इसे डिवाइड कर दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो कट जाएगा तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू, इसमें करोगे तो कितना आएगा 3 बार में आएगा, कितना आएगा 3, तो नया इक्वेशन बन जाएगा 4 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5। ये आपका 5 तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बस ध्यान से देखते रहो, आपको एक एक क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट वीडियो मिल रहा है दोस्तों, तो आपको बता रहा हूँ कितने अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में थर्ड एंड फोर्थ से हम लोग प्लस करके निकाले, अब इसी दोनों से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करके दूसरा इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन किसको, थर्ड को, किसको भी कर सकते हो थर्ड को फ्रॉम फोर्थ से। अब इसमें से आपका फोर्थ क्या है 2/31 y प्लस 1/48
एक्स इज इक्वल टू 16, ए हमारा क्या 148, वाई प्लस 231 एक्स इज इक्वल टू 527। अब हम लोग क्या करें, माइनस करें माइनस करें माइनस कर रहे। ध्यान से देखना, अभी देखो 11 में से एट जाएगा कितना बचे 3, और यहाँ बचा कितना 2 बच गया। इधर से लेंगे 12, 12 में से अभी 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 1 में से 1 के 0, मीन्स हमारा कितना हो जाएगा 83y हो गया। अब यहाँ पर देखो ए हमारा क्या है, फिर 231 नीचे और ये माइनस में, तो मीन्स माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा साइन कौन सा लगेगा, माइनस, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इधर पे प्लस है इसीलिए यहाँ प्लस। अभी वही काम होगा तो इधर भी कितना है, माइनस 83x इक्वल टू, अब इसमें करेंगे तो देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 0, 0 मतलब 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 5 गया 0, मतलब हमारा कितना 83। अब हम लोग क्या करेंगे, 83 83 83, तो हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितने से करेंगे, 83 से। जब 83 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये नया इक्वेशन कहां तक बनाए, तो फिफ्थ, ये हमारा कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब ध्यान से अगर दोस्तों देखोगे, फिफ्थ और 6 को हम लोग को सॉल्व करना, तो ये हमारा प्लस में माइनस में, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन किसको, फिफ्थ एंड 6। अगर आप फिफ्थ और 6 को करोगे तो क्या है, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 3, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब प्लस कर रहे हो माइनस प्लस, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए 2y इक्वल टू 4, तो इधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस, हम लोग क्या करें, माइनस हो गया था तो 2y, अब जाएगा तो y इक्वल टू 4 अपॉन 2, y इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 2। अब y का वैल्यू आने के बाद हम लोग को क्या करना है, y का वैल्यू किस इक्वेशन में रखेंगे, या तो फिफ्थ में रखेंगे या तो सिक्स में रखेंगे, मैं रख देता हूँ फिफ्थ में, पुटिंग y इक्वल टू 2 इक्वेशन इसमें फिफ्थ, तो इक्वेशन फिफ्थ क्या है, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 3। अब उसके बाद हमारा वाई का वैल्यू कितना है, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2, तो बोले तो एक्स इक्वल टू 1, तो आपका आ गया। तो आप आंसर फाइनल में लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1.2। तो दोस्तों आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना था, और जो मैं क्लियर निकाल दिया, कुछ नहीं करना है, खाली मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड। अगर कभी कभी यहाँ पर कुछ और वेरिएबल दे दिया तो इस साइड देखोगे जो वेरिएबल रहेगा डिवाइड में रहेगा, तो उसे हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ही क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो एक्स वाई से अगर हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी कट गया, यहाँ यहाँ कट के आगे पीछे आए, तो उसे टेंशन लेना नहीं है, बस उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो जब ऐसा दोनों में इंटू करोगे तो यहाँ लिखे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई एक्स वाई इक्वेशन किस में, फर्स्ट एंड सेकेंड में, जब दोनों में कर दिया तो हम लोग को नया दो इक्वेशन मिला, और वे दोनों नया इक्वेशन को हम लोग क्या किए, हम लोग को देख के पता चल गया, इधर y के सामने और यहाँ के x के सामने, x के सामने y के सामने, जब सेम रहता है तो हम लोग क्या करते, एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड किए, नया इक्वेशन मिला, एंड एक बार सब्ट्रैक्ट किए, वापस नया इक्वेशन मिला। और याद रखना, जब भी प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आपको इससे जो नंबर मिलता है वही नंबर से डिवाइड करोगे तो ही आपका आंसर मिल जाएगा, अच्छा सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा जो भी रहेगा क्वेश्चन। अब उसका डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा 6 बना, यहाँ पर फिर ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आपको जो भी चाहिए रहेगा दोस्तों आप कमेंट करोगे 100% उस टॉपिक पे हम वीडियो लाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।